नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, Moto G31। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो पे हम इस फोन को अनबॉक्स करने जा रहे हैं। जानेंगे इस मोबाइल फोन के सारे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, साथ ही दोस्तों हम देखेंगे बॉक्स पे हमें क्या क्या कंटेंट्स देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको मोबाइल फोन के साथ आपको मोबाइल कवर भी देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको कुछ मैनुअल्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों आपको एक टाइप सी का डाटा केबल देखने को मिल जाता है और 20 वाट का आपको एक चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों आपको एक ट्रांसपेरेंट कवर भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन कंटेंट की ओर। सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरीके का डिजाइन के साथ 5000 mAh का बैटरी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको ट्रिपल कैमरा के साथ LED फ्लैश और एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर मैं फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो दोस्तों बॉटम साइड सबसे पहले आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको एक माइक देखने को मिल जाता है। दूसरे साइड आपको एक पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको एक गूगल असिस्टेंट के बटन देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों टॉप पे आपको 5 mm का हेडफोन जैक और एक नॉइस कैंसलेशन देखने को मिल जाता है। और लेफ्ट साइड आपको दोस्तों हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, जो कि एक सिम और एक SD कार्ड लगा सकते हो या फिर आप दो सिम्स का आप यूज कर सकते हो। दोस्तों इस पे डिस्प्ले साइज आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको 13 MP का फ्रंट कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों डिस्प्ले पे टेम्पर्ड ग्लास अच्छी तरीके से लग नहीं पाया है, इसीलिए आपको साइड पे एयर बबल्स देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों जैसे ही आप मोबाइल फोन को फर्स्ट टाइम बूट करोगे, आपको सारा प्रोसेस को सेटअप कर लेना है। तो चलिए हम सारे प्रोसेस को सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सेटअप है हो जाता है कंप्लीट। दोस्तों डिस्प्ले आपको 6.4 इंच फुल HD एमोलेड डिस्प्ले के साथ आपको 60 हर्ज का रिफ्रेश रेट और 700 नीट्स का ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, जैसा कि आपको डे लाइट कंडीशन में पूरा क्लियर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको 4 GB और 64 GB का वेरियंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट देखने को मिल रहा है, एक 50 MP का प्राइमरी कैमरा, आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि डिसेंट सा आपको फोटो कैप्चर करके प्रोवाइड करता है। साथ ही दोस्तों डिजिटल जूम आपको 8x का देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों आपको इस मोबाइल फोन में 4G कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि फ्यूचर में आपको एंड्रॉइड 12 पे अपडेट भी आप कर सकते हो। साथ ही दोस्तों इस पे आपको थिंगशील्ड सिक्योरिटी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपके डाटा को मेलवेयर से प्रोटेक्ट करता है। चलिए दोस्तों अब हम इसके स्पीकर्स को टेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके स्पीकर्स पे भी काफी अच्छा लाउडनेस है, तो आप कमेंट करना दोस्तों आपको ये फोन कैसा लगा। ये दोस्तों हमें मार्केट में 9500 का पड़ा था। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन कॉल पर रखें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।